हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। आज की क्लास से हम आपकी मैथ्स की क्लास शुरू करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास सभी प्रैक्टिस सेट में चलेंगी और सभी प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे आपको, उसमें सभी में एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले चैप्टर से नंबर सिस्टम से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा 49, 237, 39, 95, 738 × 83 × 9। ये सभी गुणा में संख्याएं दी गई हैं। और क्या पूछा है हमसे, इकाई का अंक पूछा गया। जब भी इकाई के अंक की बात की जाए तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए, सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए, आगे की पूरी संख्या हटा देनी चाहिए। तो देख लेते हैं गुणा करके, 7 × 35 ये क्या हो गया 35, और इसमें 35 में इकाई का अंक क्या है, इसमें 35 में इकाई का अंक है हमारा 5, तो इसे 3 को हटा दो, 5 का आगे गुणा किया हमने, कन्वर्ट 40, इसमें इकाई का अंक क्या है 0, और जीरो जहां पे भी आ जाए, जीरो जहां पे भी आ जाए गुणा में, कितनी भी संख्याएं हो अगर जीरो आ गया है तो वो सारी संख्या क्या हो जाती है हमारी, जीरो हो जाती है। तो बोल सकते हैं इसमें इकाई का अंक क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का योग दिया है हमें 50, और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, पहली संख्या है हमारी वो क्या है, दूसरी संख्या की 2/5 गुनी, 2/5 गुनी। तो पहली संख्या बट्टे, ये जब इधर की साइड में आई तो ये बट्टे में हो गया, इसके इधर रह गया 2/5। पहली संख्या का जो रेशियो निकल के आ गया 2 है, दूसरी संख्या का रेशियो निकल के आ गया वो 5 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 50 है, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग इसका योग कितना आ रहा है, 2 और 5, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है ये 7, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 7, और उसके अकॉर्डिंग है ये 50, उसके अकॉर्डिंग कितना है 50। 7 की वैल्यू 50 है तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है पहले, तो हमें पहली संख्या निकालनी है, तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 50, ये नीचे पहुंच जाएगा 50/7, और 2 का गुणा इसमें कर दो, ये कितना हो गया 100/7, मतलब कि हमारी पहली संख्या निकल के आ गई 100/7। इसी तरीके से 5 के लिए निकाल लेते हैं, 5 = 50, 7 नीचे पहुंच गया और 5 का इसमें गुणा किया, 5 × 25, मतलब कि ये हो गया 250/7। पहली संख्या 100/7 और दूसरी संख्या हमारी 250/7। ऑप्शन में देख लेते हैं, 250/7 और 100/7, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्याएं बताओ। क्वेश्चन में हमसे बोल दिया गया है दो अंकों का योग, तो हमने अंक मान लिया एक्स प्लस वाई, कितना हो गया इसका योग 12 है। क्वेश्चन में बोला है हमने अंक माने x और y। अब आगे क्या बोला है, अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या मूल संख्या, जो मूल संख्या वो क्या होगी हमारी, जब भी दो अंकों की या तीन अंकों की संख्याओं के बारे में बात की जाती है तो उसे दहाई या सैकड़ा के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, टेन एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पे दहाई का अंक क्या है x, ये क्या है जो 10 के साथ लगा है वो x है, वो दहाई का अंक है, और ये इकाई का अंक है, ये क्या है हमारा इकाई का अंक, तो ये क्या है हमारी मूल संख्या। क्वेश्चन में बोला है आपस में बदलकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, जब ये अंक आपस में बदल दिए जाएंगे तो जो संख्या बन रही है वो इस संख्या से कितनी ज्यादा है 18 अधिक है,
मतलब कि यहां से ये जो अंक बदल के 10y + x ये अंक बदल दिए, ये जो संख्या है वो इस संख्या से कितनी ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो 10x + y इस संख्या को इसमें से घटा दिया, ये ज्यादा है ज्यादा में से कम वाली संख्या घटा दी, कितनी कितना आ रहा है मान 18, मतलब कि 18 का अंतर है दोनों संख्याओं के बीच में। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया 10y + x माइनस ये 10x हो गया, 10x - y इक्वल ये हो गया 18, 10y और माइनस वाई ये कितना हो गया 9y, माइनस के 10x और प्लस के x ये हो गया माइनस के 9x और इधर कितना बताया 18। तब यहां से 9 कॉमन लेंगे, जब यहां से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या है y माइनस x बचेगा, 9 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा y माइनस x और इधर कितना है 18, 9 से ये 18 कितने बार कैंसिल हुए 2 बार, y माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ऊपरी हमें पहली इक्वेशन दी थी ये x + y। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहां पे रख लिया y - x = 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस के एक्स है और ये प्लस के एक्स है, इससे ये कैंसिल हो गया, वाई और वाई कितना हो गया ये 2y और 12 और 2 14, 2 से ये कैंसिल हुआ तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 7, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 7 और वाई हमारा कौन सा अंक है, वाई हमारा इकाई का अंक है, 7 यहाँ पे रखेंगे मान, बाई की जगह जब 7 रखेंगे यहाँ पे रखेंगे 7, तो 7 जब उधर जाएगा तो 12 में से 7 जाएंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ढाई का अंक क्या है हमारा 5 और इकाई का अंक क्या है 7, मतलब कि ये संख्या किस तरीके से बनेगी 5 और 7, 57 आंसर क्या है इसका 57, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये संख्या दी है हमें और बोला गया ये 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल्स से दिया गया है क्वेश्चन। 11 से विभाज्यता का नियम जानते हैं आप सभी, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम स्थान वाले सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस नहीं यहां पे ये क्या होगा हमारा, ये होता है अंतर, ये अंतर का साइन होता है, अंतर विषम स्थान वाले अंकों का योग, विषम स्थान वाले अंकों का योग, कम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग, इन दोनों में जो अंतर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का कोई आगे का मल्टीपल होना चाहिए 22, 33, 44 इस तरीके से, तो वो क्या होती है, वो 11 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। देख लेते हैं संख्या क्या है हमारी 5 * की जगह हम मान लेते हैं x, 3, 4, 5 और 7 ये संख्या 11 से विभाज्य है, क्वेश्चन में बोला है स्टार की जगह हमें बताना है, यहाँ पे क्या है स्टार है, यहाँ पे क्या है ये स्टार दिया है हमें, स्टार की जगह हमें बताना है, तो
पहले तो विषम स्थान वाले अंकों का योग देख लो, पांच और तीन आठ, आठ और पांच तेरह। अब सम स्थान वाले अंकों का योग देख लो, सात, सात और चार ग्यारह, सात और चार ग्यारह, और ये अभी स्टार बचा हुआ है हमारा। तो जब तेरह में से ग्यारह जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, दो बचेगा। यदि हम स्टार की जगह पे दो रख दें तो ग्यारह और दो, ये भी तेरह हो जाएगा, ये भी तेरह हो जाएगा। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा जीरो। और जीरो आ गया मतलब कि हम बोल सकते हैं ये ग्यारह से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो स्टार की वैल्यू कितनी है हमारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दो। स्टार की जगह क्या आएगा, स्टार की जगह आएगा दो, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का पांच गुना परंतु शेष फल का दो गुना, भाज्य का मान बताओ यदि शेष तीस हो। भाजक है भागफल का पांच गुना है परंतु शेष फल का दो गुना है, और शेष फल की हमें वैल्यू दी गई है। विभाज्यता के नियम जब कराते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, एक फॉर्मूला होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब हमसे क्या पूछा जाए भाज्य, या फिर इनमें से कोई भी संख्या पूछी जाए, तो हमें क्या क्या ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब जो वैल्यू दी गई है, जो परफेक्ट वैल्यू दी गई है, उसका मान रख दो उसकी जगह पे। किसकी वैल्यू दी गई है, शेष फल की वैल्यू दी गई है हमें, कितनी है तीस। तो वैल्यू रख दो शेष फल की जगह तीस। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, भाजक भाजक मतलब कि ये भागफल का पांच गुना, इसका पांच गुना है परंतु शेष फल का दो गुना, किसका तीस का दो गुना भाजक। तो दो गुना इसका कितना होगा, साठ। गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगा दिया, भागफल का पांच गुना है, इसका ये पांच गुना है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसका ये पांच गुना होना चाहिए, तो बारह पंजे साठ। बारह का पांच गुना हो गया भाजक, इसका ये दो गुना हो गया, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, बारह छिंग बहत्तर, सात सौ बीस, और प्लस तीस, ये कितना आ गया हमारा, सात सौ बीस, ये आ गया सात सौ पचास। भाज्य क्या निकल के आ गया हमारा, भाज्य निकल के आ गया हमारा सात सौ पचास। नोट कर लें इसे। कुछ बकरी चारा खा रही हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा सिरों की संख्या 60 है, तो बकरियों की संख्या कितनी होगी। जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा सिरों की संख्या दी गई है 60, तो पूछा गया है बकरियों की संख्या कितनी होगी। जब इस टाइप से पैर पूछे जाएं, दो टांग वाले या चार टांग वाले जीवों का पैर वगैरह पूछा जाए, तो क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है कुल पैर बट्टे दो माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो, 230 पैर, 230 पैर बट्टे दो माइनस सिरों की संख्या कितनी है 60, सिरों की संख्या कितनी है 60, इससे ये कैंसिल किया, ये कितना आ गया 115 में से 60 जाएंगे तो कितने बचाएंगे, ये बचाएंगे 55, ये बचाएंगे 55। अब ये जो 55 निकल के आया है वो बकरियों की संख्या, मतलब बकरियों की संख्या है, बकरियां चार टांग वाले, ये चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आती है। इस फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, चार पैर वाले, इस फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, ये
चार पैर वाले निकल के आते हैं इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला लिखा है इससे चार पैर वाले जानवर निकल के आते हैं। तो चार पैर वाले निकल के आगे 55, मतलब कि बकरियों की संख्या पूछी गई थी, बकरियां तो निकल के आगे 55। अगर दो पैरों वाले पूछे जाते हैं तो यहां से 55 में से ये 60 है, 60 में से 55 घटा देते तो दो पैर वाले मिल जाते 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 55 बकरियां हैं वहां पे जमीन पर, नोट कर लें। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दें जो भी एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। हम क्वेश्चन का स्तर इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इसी चैनल पर आपका पूरा कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिचासी पे घात 97 माइनस 27 बटे 86 में शेषफल बताओ। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम जिनको भी नहीं आती है वो कमेंट में लिख दें, मैं एक बेसिक वीडियो रिमाइंडर थ्योरम पे बना दूंगा। 85 पे घात 97 माइनस 27 पे भाग दिया गया 86 से, तो शेषफल हमसे पूछा गया है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो हम ये जो 85 है, ये जो 85 है हम इसको नीचे वाले जो हर है हमारा उसके अंकों में ही लिख लेते हैं, मतलब कि उस तरीके से लिख लेते हैं कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसे 85 को हम ऐसे लिख सकते हैं 86 माइनस 1, इस तरीके से 85 को लिख सकते हैं 86 माइनस 1, और इस पे पावर कितनी है हमारी 97 माइनस 27 अपॉन 86। हमने इसे तोड़ के लिख लिया, 85 को लिख लिया 86 माइनस 1। अब इसको 86 को अलग अलग कह लें इस पार्ट को, या आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आंसर यहीं पे निकल आएगा, पूरा आंसर इसी लाइन में ही आंसर पूरा निकल आएगा, समझाने के लिए कर रहा हूं। 86 को अलग अलग कर लें, ये 86 को किया अलग, 86 पे घात कितनी हो गई 97 माइनस 1 पे घात 97 और माइनस 27, और यहां पे ये भी कर दिया हमने अलग अलग, बिल्कुल 86 को भी अलग अलग कर दिया, बिल्कुल इस पार्ट को एक ही में रहने दो। तो इससे 86 से ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, इतना पार्ट बचा है माइनस 1 पे घात 97 माइनस 27। तो माइनस 1 पे अगर ऑड पावर होती है, विषम घात होती है, तो माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 ही आती है, चाहे कितनी भी लंबी घात क्यों ना हो, चाहे 999 हो, चाहे 1113 हो, अगर विषम घात लगी है माइनस 1 पे तो विषम मतलब माइनस का 1 ही आएगा। तो ये माइनस का 1 का माइनस 1 ही रहेगा, ये माइनस 27 है, माइनस 27 बट्टे 86, माइनस 1 और माइनस 27 ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 28, हो गया माइनस का 28 बट्टे 86। जब भी ऊपर माइनस की संख्या आए तो नीचे वाले से उसे कम कर दो, वही आपका राइट आंसर होता है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो 86 में से माइनस के 28 कम किए तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, 7 में से 2 गए 5, ये कितना निकल के आएगा रिमाइंडर आपका 58। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 58 आपका रिमाइंडर निकल के आया। यदि आपको पॉजिटिव संख्या आ जाती तो वही आपका रिमाइंडर होता, लेकिन ये माइनस की है तो नीचे वाली जो ये हर है 86 उसी से उसे घटा देते हैं तो वही आपका रिमाइंडर निकल के आ जाता है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 पे घात 50 माइनस 9 बट्टे 44, सेम टू सेम अभी जो कराया था क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं इसे। 45
घात 50 और नीचे क्या है 44, तो इसे 44 की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 44 प्लस 1 और ये 50 घात है, 50 लगा दी, माइनस 9 वैसा का वैसा, ये पट्टे में 44 जैसा अभी किया था वैसे करेंगे, यहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं, ये 44 से ये वाला पार्ट तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या हमारा 1 पे घात 50, 1 पे घात 50 बचा हमारा, माइनस 9 बचा, माइनस 9 बचा और ये 44 का भाग जब इस वाले पार्ट में देंगे तो ये 1 माइनस 9 बट्टे 44, ये हो गया माइनस का 8 बट्टे 44 और ये माइनस का आया है तो 44 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 में से 8 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 और यही आपका क्या है राइट आंसर है, 36 शेषफल बचेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लो इसे। ये सभी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा, 1 से 100 तक के संख्याओं के सभी अंकों का योग पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, संख्याओं का योग पूछा जाता तो संख्याओं का योग हो जाता हमारा 50-50, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग पूछा जाता तो वो हो जाता 50-50, ये 5050, लेकिन उसने बोला है संख्याओं के सभी अंकों का योग, तो 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखी जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें जो अंक हैं उनके अंकों का योग, जैसे 11 में अंक आए 1 और 1 तो उसका अंकों का योग 2 हो गया, 12 में 1 और 2 आता है तो वो 3 हो गया उसके अंकों, इस तरीके से पूछ रहा है। तो देख लेते हैं 1 से लेके 99 तक की बात करें और ये 100 को कर दो अभी साइड में, 1 से लेके 99 तक की बात करें तो जो ये अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 तक अंक हैं 1 से लेके 9 तक, वो 99 तक जब आप वो काउंटिंग करेंगे तो सारे अंक कितने कितने बार आते हैं, 20-20 बार रिपीट होंगे सारे अंक, ये कितने कितने बार आएंगे, 20-20 बार अंक आएंगे 99 तक, आप चाहो तो काउंट करके देख सकते हो। तो हमने 20 ले लिया बाहर, 20 हो गया कॉमन, अब इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, ऐड करना तो जानते हो ना कैसे करते हैं, 20 ये बाहर है, बाहर वाला कोष्टक का मतलब गुणा, प्रथम पद अंतिम पद का योग मतलब कितना हो गया 10, प्रथम पद और अंतिम पद का योग 10 गुणा संख्याएं कितनी है ये 9 और बट्टे में 2, इस तरीके से करते हैं योग, ठीक है, 2 से ये 10 बार कटा, 10 दाई 100 और 100 का 9 में गुणा किया तो ये कितना आ गया 900, कितना आ गया 900, अभी क्या बचा हुआ है हमारा 100 बचा हुआ है, 100 के जो ये अंक है 1, 0, 0 इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 और इसमें ऐड कर दो तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 901, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 अधिक है, मतलब कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया उसने कि दहाई का अंक है, ये जो दहाई का अंक है मतलब कि x और y, ये दहाई है और ये इकाई है, दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से, मतलब कि यदि ये x है तो ये x प्लस 5 होगा, 5 अधिक है, दहाई का अंक 5 अधिक हो गया है इकाई के अंक से, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना,
इनके योगफल का पांच गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। क्वेश्चन में बोला है योगफल का पांच गुना, किसके योगफल का, इन दोनों के अंकों का योगफल का पांच गुना। जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x + 5। एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 5। क्वेश्चन में बोला है दोनों अंकों के योगफल का पांच गुना, और इसका पांच गुना कर दो आगे पांच। उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, किस संख्या से घटा दिया जाए, यह जो मूल संख्या है 10x + 5 + x, इकाई की जगह x माना है हमने, दाई की जगह x + y माना है हमने, तो उसी तरीके से मूल संख्या हमने ये मूल संख्या बना दी, क्या बना दी है, मूल संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है उस संख्या से घटा दिया जाए, किसको, ये पांच गुने को उस संख्या से घटा दिया जाए, मतलब कि इसको 10x + 5 + x में से ये 5 2x + 5 को घटा दिया जाए तो क्या कह रहा है, ये अंक उलट जाते हैं, उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, मतलब किस संख्या के, इस वाली संख्या के अंक हैं वो उलट जाते हैं, 10 के पास में x आ जाएगा और ये x + y 5 है वो उधर पहुंच जाएगा, जो हो गया 10x + x + 5, दिख रहा है, हाँ 10x + x + 5, एक्स की जगह पे x + 5 पहुंच गया और x + 5 की जगह x आ गया, अंक पलट जाते हैं, कब, जब पांच गुना घटा दें मूल संख्या में से। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया 10x + 50 + x - 5 2 जाए, ये हो गया 10x - 5 5 जो होता है 25 इक्वल, ये हो गया 11x + 5। सॉल्व करेंगे इसे, 10x और x कितना हो गया, ये पहले तो इसे काट दो, 10x से ये माइनस वाला 10x कट गया, इस 5 को इधर की साइड में उठा के लेके आए तो ये हो गया 50 - 25, इधर लेके आए 5 को -5, और इस x को ये जो x बचा हुआ है इसे उधर लेके गए तो ये 11x माइनस का हो जाएगा ये x, अब ये क्या आ गया, ये हो गया 30, और 50 में से 30 गए ये हो गया 20, 11 में से x गए ये हो गया 10x, 10 से ये 20 कैंसिल हुआ तो x बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 2, x बराबर क्या निकल के आ गया 2, x की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे तो x बराबर तो निकल के आ गया है 2, x बराबर तो निकल के आ गया 2, x बराबर 2 निकल के आए तो x + 5 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, तो दहाई की जगह क्या आ गया 7 और इकाई की जगह आ गया 2, और क्वेश्चन में बोला है अंकों का योग, इन दोनों अंकों का योग कितना होगा 9, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, अंकों का योग कितना हो गया 9। एक बार और समझ लें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला है एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, दहाई का अंक है ये x, ये वाला अंक है वो इकाई के अंक से, इकाई का अंक माना हमने x, तो दहाई का अंक 5 अधिक है मतलब x + 5, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, इन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना योगफल करेंगे इनका तो ये आ जाएगा 2x + 5 और इनका 5 गुना मतलब 5 से गुना, उस संख्या से घटा दिया जाए, किस संख्या से, जो मूल संख्या है हमारी, मूल संख्या क्या थी ये 10x + y + x, इसमें से इसे घटा दिया जाए तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, उसके अंक उलट जाते हैं, इस संख्या के मूल संख्या के अंक है वो उलट जाते हैं, एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये x + 5 है वो उधर पहुंच जाएगा, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई
और वो यहां पे रखेंगे तो सात आगे ढाई, ठीक है, अंकों का योग कितना हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक है दहाई के स्थान वाले अंक से दो गुना है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से दो गुना है, मतलब इकाई यह है 2x और दहाई यह है x, हो गया इकाई का अंक दो गुना है दहाई के अंक से। और यदि उन दोनों अंकों के योग में से दो घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के एक बट्टे छह के बराबर होता है। यदि उन दोनों अंकों के योग में से दो घटाया जाए तो जो अंतर आ रहा है वो संख्या के एक बट्टे छह के बराबर होता है। फिर से भाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं, ये कितना है 26, क्वेश्चन में बोला है इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए दो गुना, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है तीन गुना, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है ढाई गुना, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है दो गुना, यहाँ पे है 2x, इकाई का अंक कितना है 2x, यहाँ पे डेढ़ गुना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब इसे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई कैसे करेंगे, दहाई के स्थान वाले अंक से दो गुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से, ये जो संख्या है इन दोनों के अंकों का योग कितना है 6, इसमें से कितना घटाने के लिए बोल रहा है 2, तो ये आ गया हमारा 4। तो अंतर, ये जो अंतर आया 4, उस संख्या के एक बट्टे छह के बराबर, किस संख्या के 24 के एक बट्टे छह के बराबर है, क्या है ये एक बट्टे छह के बराबर, 6 चौक 24, 4 आ गया, मतलब कि 4 इसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और यदि आप उस ट्रिक से करना चाहते हैं, उस मेथड से करना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस ये जो अभी पिछले क्वेश्चन कराए हैं सेम टू सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार संख्याओं का योग 48 है, जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए, पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी संख्या और चौथी संख्या में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए, तो संख्याएं समान हो जाती हैं, तो संख्या कैसी हो जाती है, समान हो जाती हैं, तो वे संख्याएं क्या हैं, इसे भी हम ऑप्शन से करेंगे। हम इस वाली संख्या में, इस वाले ऑप्शन में करके देख लेते हैं, 5 और 1 जोड़ा जाए, पहली और दूसरी में 5 और 1 जोड़ा जाए तो 9 5 14 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये 1 जोड़ रहे हैं तो 8 हो जाएगा, ये समान नहीं हो रही, गलत है। 5 और 1 जोड़ रहा है पहली और दूसरी में, यहाँ 5 और 4 9 हो गया, यहाँ 1 जोड़ दिया तो ये 13, ये भी समान नहीं है। यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 10 और यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 12, ये भी समान नहीं है। यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 11, फिर क्या बोल रहा है 3 और 7 घटाया जाए, यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 11, यहाँ पे 7 घटाएंगे तो 11, ये समान हो गई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज है 31+33+35 इस तरीके से 57 तक जा रही है, इसका मान पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था जो 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग पूछा गया, तो उसमें बताया था कैसे ऐड करते हैं इनको, योग कैसे करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद का योग, ये कितना हो गया 57 और 31, ये हो गया 88 गुणा, ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, ये संख्या कितनी है, संख्या निकालने के लिए, n निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों का अंतर, पहले पद और आखिरी पद का क्या देखते हैं, अंतर, अंतर कितना है इनमें 26 का। अब डिफरेंस देखते हैं, जिसे हम सार्वांतर कहते हैं, डिफरेंस, ये सीरीज समान होनी चाहिए, पहले तो ये समांतर श्रेणी में होनी चाहिए सीरीज, तभी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये समान होनी चाहिए। तो 31 33 35 इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, अंतर कितने का इन दोनों में, पहले और दूसरे पद में 2 का, उस 2 से इसमें भाग दे दो और प्लस 1 जोड़ दो, इसमें 2 से ये 13 13 और 1 14, मतलब कि कितनी है, एन बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, एन बराबर निकल के आ गया 14 14 का कर दो यहाँ पे गुणा और बट्टे में कर दो 2, इस तरीके से ऐड करते हैं।
दो से ये कटा सात बार, सात का भाग जब इसमें सात का गुणा करेंगे सात आठ छप्पन की छह पांच सात आठ छप्पन इकसठ, ये कितना हो गया 616, 616 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 433 456 43 एन का इकाई अंक एन प्लस टू है तो एन का मान बताइए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है जो यहां पे जो ये एन है वहां पे ऐसा कौन सा अंक होगा जिससे जब ये इकाई का अंक निकालेंगे वो इस अंक से दो ज्यादा हो जाए, दो ज्यादा हो जाए। तो भाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं, एन की जगह पे हम ए लेके चलते हैं, पहले सिक्स ले लिया हमने, अब देख लेते हैं पिचिंग 18 इस एक से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई के अंक से मतलब है, 8 6 48 इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये आ गया क्या इकाई का अंक आ गया हमारा 8 और हमने क्या लिया है एन की जगह पे, ये लिया है एन की जगह पे 6, तो 8 क्या है एन प्लस 2 है, एन प्लस 2 है, 8 क्या है हमारा एन, एन की जगह 6 लिया है और एन से ये कितना ज्यादा है 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिस करने से आपका जो मैथ का जो यूज है वो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन है वो वाई ऑप्शन से जाना है या फिर उसे सॉल्व करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद से क्वेश्चन को रीड करते ही समझ में आ जाएगा कि इसे हम वाई ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी। पहले नंबर व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है उल्टा, ठीक है। जैसे कि हमने कोई संख्या मान ली x, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ये होता है उल्टा, ठीक है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, इनका योग कितना दे रहा है ये 2, सॉल्व कर लो इसे, एक्स का ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा 2x। इसे इधर लेके आए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। इससे अच्छा ये है कि हम वाई ऑप्शन जाएं, जैसे कि मैंने अभी बताया हमें वाई ऑप्शन से जाना है कि नहीं जाना है, ये हमें क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि हमें कहां से जाना है, वाई ऑप्शन जाना है या वाई मेथड जाना है। जैसे वाई ऑप्शन करेंगे तो ए लेंगे तो 0 को ऐड करने से तो कोई मतलब निकलता ही नहीं है, 0 को ऐड करने से तो कोई मतलब निकलता ही नहीं है। हम बी का ऑप्शन लेंगे, यदि हम बी लेंगे तो 1 प्लस इसका उल्टा करेंगे मतलब व्युत्क्रम करेंगे तो ये कितना होगा, 1 का भाग 1 में दिया तो 1 ही आएगा और पहले से 1 है ही है, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल 2, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए टेक केयर।